खबर धमतरी जिले से है, जहां जिला भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शनिवार को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें 2018 से पीएम मातृ वंदन योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जबकि अन्य जिलों में पैसा मिल चुका है। इसके अलावा महिलाओं ने बताया कि हमसे काम अधिक लिया जाता है, लेकिन उनके एवज में महज कुछ ही रुपए देते हैं। ऐसे में घर बार परिवार चलाने में खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि शासन प्रशासन ने उनके मांगों को दरकिनार किया तो वह आगे उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। इधर महिला एवं बाल विकास के अधिकारी को पता ही नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रविवार को भी काम लिया जा रहा। इसके अलावा वेतन बढ़ाने वाले विषय पर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर की मांग है, बीते वर्ष वेतन बढ़ा है। वही मातृ वंदन योजना का पैसा नहीं मिलने पर कहा कि अभी पैसा आया नहीं है, जैसे आता है दिया जाएगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताएं कितनी पीड़ित है, इसीलिए आज पूरे धमतरी जिले से सभी ब्लॉक से हमारी कार्यकर्ता बहनें यहां पर एकत्रित हुई है और वो उनके ऊपर हो रहे हाल में जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर कलेक्टर मैडम को, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम को, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीएलओ का कार्य दिया गया है, निर्वाचन आयोग का एक बड़ा कार्य महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं करती हैं और वो उस कार्य के साथ साथ नगर निगम के द्वारा या जनपद पंचायत के द्वारा आर्थिक जनगणना का कार्य दिया जा रहा है सभी को, जो कि आप सोच सकते हैं कि आंगनबाड़ी का कार्य 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है, उसके बाद में बोल रहे हैं कि आप लोग घर घर जाकर आर्थिक जनगणना कीजिए। तो महिलाओं का सिर्फ कार्यकर्ता और खास तौर पर महिला बाल विकास का सिर्फ यही काम रह गया कि वो अपने घर ना जाए और शाम तक रात तक, क्योंकि एक परिवार का यदि हम सर्वे करने जाएंगे आर्थिक जनगणना का तो 40 मिनट से लेकर 1 घंटा लगता है इस परिवार में अधिक संख्या में लोग रहे तो। निर्वाचन विभाग के द्वारा और हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हम लोग को पोर्टल लगाने की काम कराया जाता है और अन्य विभाग का जितना भी काम होता है या कोई भी सर्वे होता है उसमें हम लोगों को लगा दिया जाता है ना। हम लोगों को मतलब सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक अपने आंगनबाड़ी का कार्य करते हैं और उसके बाद हम लोग को पत्नी का काम करने के लिए बोला जाता है। हम लोग महिलाएं हैं, महिला वर्ग है, हमारा भी घर परिवार है, बच्चे हैं, हम लोगों को भी समय चाहिए और मुख्य ये है कि हर शनिवार रविवार को विशेष शिविर लगाने के लिए बोला जाता है निर्वाचन विभाग के द्वारा। तो एक दिन सप्ताह में छुट्टी मिलता है, हम लोग महिला वर्ग है, अपने घर परिवार के लिए उस दिन कम से कम छुट्टी के दिन को हम लोगों को विशेष शिविर न लगाया जाए। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ से आए हुए थे प्रतिनिधि और इनकी कुछ मांगे हैं 6 सूत्री, उसी के निराकरण के लिए आए हुए थे। पहले भी इस संबंध में आवेदन दिए हुए थे और कलेक्टर मैडम की तरफ से निराकरण के लिए पत्र शासन को प्रेषित भी किया गया है। अब वेतन बढ़ाने की बात तो शासन स्तर की बात है और फिलहाल 1 साल पहले ही वेतन बढ़ाया जा चुका है और संडे को कार्य ले रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे तक नहीं आई है।